शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपको फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले दो 5-पिन सॉकेट के साथ चार स्विच का यूज किया है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच, उसके साथ मैंने एक इंडिकेटर और एक फ्यूज का यूज किया। ठीक है, तो इसमें एक सॉकेट का एक स्विच से यूज होगा, एक सॉकेट का एक स्विच से यूज होगा, दो स्विच हमारा एक्स्ट्रा है, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज है। तो एक स्विच जो होगा हमारा इंडिकेटर जो पंखा के लिए चलेगा, एक हमारा लाइट का होगा। तो इसका वायरिंग के साथ हम इसका जो है फुल कनेक्शन देख लेंगे कि इस वायरिंग के साथ हमारा कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम उसका वायरिंग करते हैं। तो पहले क्या होगा, देखिए जब इसका कनेक्शन, ठीक है, ये बोर्ड में जब करंट आएगा तो हमारा जो मेन वायर आएगा, जो फेज वायर, ठीक है, जो हमारा लाइन का वायर आएगा, वो कहाँ आएगा, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में। हमारा जो फ्यूज होगा उसके ऊपर वाले टर्मिनल में हमारा इन करेगा मेन, ठीक है, ये जो फेज का वायर होगा आपका, ठीक है। ये आउट कहाँ कहाँ करेगा, ये आउट करेगा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, ठीक है। हमारा जो स्विच का नीचे टर्मिनल ये सब है, ये करेगा आउट यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से शॉर्ट करेगा और ये आउट करेगा स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, ठीक है। स्विच के हमारे से दो टर्मिनल है तो सारे नीचे वाले टर्मिनल में हमारा मेन इन करेगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन क्या, ये सॉकेट होगा, ठीक है, ये सॉकेट है। तो एक एक स्विच हम दोनों को ऑपरेट करना है, तो एन और एल, यहाँ न्यूट्रल जाता है, यहाँ लाइन जाता है, सेम यहाँ भी हो यही चीज़ है। तो हमारा एक जो कनेक्शन होगा, एक शॉर्ट यहाँ से करेगा, एक वायर यहाँ से शॉर्ट करेगा। तो ये हमारा दो स्विच का यूज हो गया, ठीक है। इसके साथ जो हमारा रेगुलेटर, ये रेगुलेटर है तो उसमें देखिएगा दो वायर होंगे, ठीक है, ये जो दो वायर दिखाई दे रहे हैं, ये दो वायर निकले रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक वायर का हमारा कनेक्शन इस स्विच से होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक का कनेक्शन। अब हम इसे क्या करते हैं, जब इसका न्यूट्रल आएगा, इसका जब न्यूट्रल का वायर आएगा, तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ कहाँ है, न्यूट्रल का जरूरत एक हमारे यहाँ पे और एक यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, एक लूप हम यहाँ से लेंगे यहाँ पे, फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे दिख नहीं रहा पर हम करते इसको ले आते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल हमारा पहुँच गया, साथ में अगर बॉडी अर्थिन आया, ठीक है, अगर बॉडी अर्थिन है तो बॉडी अर्थिन का जरूरत कहाँ कहाँ हमें, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, जो आपका बॉडी अर्थिन का वायर आया हुआ होगा, ठीक है, अगर अर्थिन का वायर आया हुआ है तो। अब इसका बचा दो स्विच, एक स्विच से हमारा बल्ब ऑपरेट करना, एक स्विच से हमारा पंखा के लिए था, तो पंखा का एक जो है इंडिकेटर में घुस गया। अब इसका आगे कनेक्शन किस तरीके से होगा इसमें बात करते हैं। तो ठीक है, तो ये पंखा चलाने के लिए दो वायर का जरूरत पड़ेगा, पहला जरूरत पड़ेगा हमें फेज, ठीक है, और दूसरा जरूरत पड़ेगा हमें न्यूट्रल। ये दो चीज़ रहेगा तो हमारा ये पंखा चलेगा। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से होता है, ये जो आपका फेज वाला वायर होगा, ठीक है, ये जो फेज वाला वायर होगा इसका, ये सीधा यहाँ पे आएगा, इसको भी जलाने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसका न्यूट्रल वही ला एक से अटैच करके हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल को हम ले आएंगे और बोर्ड के हम यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी हम जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो न्यूट्रल हमारा आ रहा, न्यूट्रल यहाँ मिल जा रहा, ये क्या करें, न्यूट्रल दोनों में सप्लाई कर देगा, ठीक है। इसका जो इस बल्ब का जो स्विच होगा, ये जो बल्ब का स्विच होगा वो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन समझ गया आप, यहाँ से तीन वायर जाएगा, एक एक चल जाएगा इसके लिए और एक न्यूट्रल रहेगा जो दोनों में कॉमन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका वायरिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको फ्यूज आउट करना है, हमारा फ्यूज में इन करेगा यहाँ पे और आउट करेगा इन सब में। तो हम क्या करते हैं, पहले हम फ्यूज से आउट करवाते हैं। ठीक है, मैंने जितने स्विच के सारे नीचे टर्मिनल था उसमें हम कनेक्शन दे रहे,
ठीक है, ये हमारा मेन का कनेक्शन जो था हमने कर दिया सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में। अब क्या होगा, हमारा एक शॉट करेगा यहाँ से, एक शॉट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे जो हमारा शॉट करेगा उसको हम कर देते हैं कनेक्शन। उसके लिए क्या करते हैं, हम दो वायर का लूप करके लूप ले लिया है और हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके कनेक्शन कर देते हैं। इस स्विच से हम बगल वाले सॉकेट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और इस स्विच से हम इस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे। ये हमारा जो मेन न्यूट्रल काम मेन का काम था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने इस स्विच से इस सॉकेट को ऑपरेट कर दिया। अब वो क्या चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल में कहाँ का जरूरत है, न्यूट्रल की जरूरत यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक जरूरत हमें यहाँ पड़ेगा और एक जरूरत यहाँ पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल के लिए एक वायर ले लेते हैं और इसका एक कनेक्शन हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, और इसका एक कनेक्शन हमको कहाँ देना है, यहाँ पे देना है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल भी मिल गया। अब क्या, बॉडी अर्थिन चाहिए यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, अगर बॉडी अर्थिन है आपके यहाँ तो इन दोनों में देना चाहिए। ठीक है, बॉडी अर्थिन पे मैंने एक वीडियो बना दिया है और जाके होगा तो आप उसे देख ले। और साथ में एक नया चैनल भी मैंने खोला है, अभी तक उसमें वीडियो नहीं आया है, पर उसको आपको सब्सक्राइब कर दे क्योंकि जल्द से जल्द उसमें वीडियो आने लगेगी। ठीक है, ये हमारा मेन जो काम था वो कम्प्लीट हो गया। अब से आगे करते हैं कनेक्शन करके देख लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हम कनेक्शन के लिए वायर ले लेते हैं। जैसे ये तीन वायर आया, एक फेज, एक न्यूट्रल, एक बॉडी अर्थिन। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, बॉडी अर्थिन को डाल देते हैं। बॉडी अर्थिन यहाँ डाले चाहे उस सॉकेट में डाले, यहाँ डाले चाहे यहाँ, तो बात तो बराबर पड़ेगा हमारा, कहीं से भी हमारा शॉर्ट कर जाएगा वायर। ठीक है, न्यूट्रल हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल अभी हम यहाँ पे दे देते हैं। न्यूट्रल दे दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमको मेन बचा। ठीक है, मेन हमको कहाँ देना, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में। ठीक है, तो फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में हम मेन दे देंगे। ये हमारा मेन कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या बचा, इंडिकेटर। इंडिकेटर कनेक्शन कहाँ जाएगा, देखिए एक जाएगा इस स्विच से, ठीक है, एक स्विच में जाएगा और एक आपका जो ये पंखा में दूसरा जो वायर होगा वो सीधा पंखा में चल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल हम कनेक्शन कर देते हैं कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो हमने ये कनेक्शन को करके मेन स्विच में डाल दिया है। अब क्या करते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग होल्डर ले लेंगे। ये मैंने टेस्टिंग होल्डर ले लिया, क्या कहते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। हम पहले क्या करेंगे, सारा स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन सही है, साथ में ये कनेक्शन भी हमारा सही है। रहा इंडिकेटर का बात, तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर का जो वायर आता है, ठीक है, जैसे ये दूसरा वायर है तो इसको आपको न्यूट्रल के साथ सटाना है। ठीक है, स्विच ऑन करके, तो हमारा स्विच अभी ऑफ है, हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और ये सटाते हैं तो ये नहीं जला। पर हम क्या करेंगे, इसका रेगुलेटर हमारा डीम होगा, अगर इसको बढ़ा लेते हैं, हमने बढ़ा लिया,
अब क्या करेंगे, इसमें सटाएंगे और अब न्यूट्रल के साथ सटाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये कम बेसी होता है हमारा रिवर्टर से। तो क्या करते हैं, इसको भी फिलहाल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वायरिंग कर सकते हैं। आपको मन में कुछ भी कमेंट हो, कुछ सवाल हो, क्वेश्चन हो या सुझाव हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।